हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेवतर के करोटी में गाड़ लिया लोहार परिवार से 7 दिन पहले मारपीट व लूटपाट का मामला। लुटेरे अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। पूर्व में भी इस गरीब बेसहाय परिवार के साथ हो चुकी है लूटपाट की घटना। परिवार अब भी सहमा हुआ है, कहीं फिर ना हो जाए कोई वारदात। रेवदर थाना क्षेत्र के करोटी तिराहे पर मारोर गांव जाने वाले मार्ग पर झोपड़े में रह रहे गाड़लिया परिवार पर 11 सितंबर को रात्रि 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात लुटेरों द्वारा लूटपाट व मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था, जिससे घर में सो रहे दंपति बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनको एम्बुलेंस के जरिए रेवदर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से चोट ज्यादा होने के कारण प्राथमिक उपचार कर सिरोही रेफर कर दिया था। वारदात के दिन पुलिस को कॉल करने के बावजूद पुलिस रात्रि में देरी से पहुंची, तब तक लुटेरे वहां से भाग निकले थे। वहीं परिवार की बातों पर यकीन करें तो वारदात के दिन पुलिस घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक रेस्टोरेंट पर खड़ी थी, लेकिन समय रहते मौके पर नहीं पहुंची। वहीं दंपत्ति के चिल्लाने से पीछे के झोपड़े में सो रहा दंपत्ति का बड़ा बेटा अपने माता पिता को बचाने आया, लेकिन लुटेरों ने उस पर भी लाठियों से वार कर दिया, जिससे वो भी बुरी तरह से घायल हो गया। जब तक अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भी जाग गए, तो लुटेरे नकदी, गहने, गले की कंठी वगैरह सब कुछ लेकर फरार हो गए थे। वहीं मामले में आज दिन तक स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने एसपी धर्मेंद्र सिंह के समक्ष पेश होकर ज्ञापन सौंप मामले में न्याय दिलाने व लुटेरों को जल्द पकड़वाने की अपील की। जागरूक टीवी के रेवदर से खास रिपोर्ट।